हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखे मंजर में। दोस्तों आज हम खड़े हैं नानक मत्ता जो कि उत्तराखंड में उद्धम सिंह नगर जिले के अंदर नानक मत्ता एक कस्बा है। यहां पर नानक मत्ता कस्बे के अंदर एक नानक मत्ता गुरुद्वारा मौजूद है। उस गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब का गेट यह मौजूद है। दोस्तों देखिए वो लिखा भी है, देखो पंजाबी में, गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब। कहा जाता है कि सिखों के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी यहां पर आए थे और उनके आने के खुशी में, उनके आने के स्थान पर, यहां इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बनाया गया जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा गुरुद्वारा यहां पर मौजूद है। तो दोस्तों जैसा कि सिखों में रिवाज है कि जब किसी गुरुद्वारे के अंदर हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले सर पर रुमाल या कुछ ढकते हैं, तो पहले हम ढकते हैं अपना सर, फिर चलते हैं दोस्तों अंदर और दिखाते हैं आपको नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब, आज दर्शन कराते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा महत्व है इस गुरुद्वारे का और उत्तराखंड का सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये है, तो चलते हैं दोस्तों अंदर। आइए आइए दोस्तों, चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं नानक मत्ता गुरुद्वारे का इतिहास। तो दोस्तों देश विदेश में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं जिनका संबंध किसी न किसी रूप में धार्मिक मान्यताओं से है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक शहर है नानक मत्ता, जो उत्तराखंड के उद्धम सिंह नगर जिले में मौजूद है। ये पवित्र स्थान सितारगंज खटीमा मार्ग पर सितारगंज से 13 किलोमीटर और खटीमा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नानक मत्ता गुरुद्वारे के मुख्य गेट पर। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों इसके विषय में माना जाता है लगभग सन 1514 ईस्वी में सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी तीसरी उदासी में अपने शिष्य भाई मर्दाना जी के साथ नानक मत्ता में आए थे। उन दिनों यहां जंगल हुआ करते थे। दोस्तों हम बता रहे हैं आपको नानक मत्ता गुरुद्वारे का इतिहास। देखिए दोस्तों इस स्थान पर गुरु गोरखनाथ के भक्तों, सिद्धों और योगियों का निवास हुआ करता था। गुरु शिष्य और गुरुकुल के चलन के कारण योगियों ने यहां गढ़ स्थापित कर लिया था। उस वक्त इस जगह का नाम गोरखमत्ता हुआ करता था। यहां रहने वाले सिद्ध नहीं चाहते थे कि स्थानीय लोग उनकी श्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए पर्याप्त विद्वान बने, इसलिए उन्होंने अपनी गुप्त शक्तियों का उपयोग करके गरीब लोगों का शोषण किया। योगी बहुत ही अहंकारी स्वभाव के थे। इसी स्थान पर गुरु नानक देव जी ने इन अहंकारी साधुओं का अहंकार तोड़कर उन्हें निर्मल ज्ञान और गुरुवाणी का संदेश दिया था। श्री गुरु नानक देव ने उनसे कहा था कि परिवार की सेवा ही सबसे सच्ची सेवा और ईश्वर का कार्य है। उनके वचन को सुनने के बाद सिद्धों का अहंकार टूट गया, गुरु की वाणी में प्रकाश की अनुभूति हुई और योगी उनके आगे नतमस्तक हो गए। कहते हैं अवध के राजकुमार नवाब अली खान ने श्री गुरु नानक देव जी से प्रभावित होकर नानक मत्ता क्षेत्र की जमीन उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर दी थी। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ गुरु नानक जी को समर्पित नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे में आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों देखिए हम आपको ये दिखा रहे हैं जो मुख्य गुरुद्वारे का गेट है, और पहले हम देखिए आपको यहाँ का जो इधर और उधर यानी कि दोनों साइडों का जो निर्माण हुआ हुआ है कितना खूबसूरत और कितना सुंदर। देखिए सेवा करने वाले यहाँ पर सेवा भी करते हैं। और दोस्तों देखिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं नानक मत्ता का इतिहास। देखिए कितनी खूबसूरत जगह ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों कहा जाता है जब गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे
तो योगी उन्हें यहां देखकर चकित रह गए, क्योंकि यह स्थान काफी दुर्गम था, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान। मौसम ठंडा होने के कारण भाई मर्दाना ने योगियों से कुछ आग मांगी, लेकिन योगियों ने भाई मर्दाना की मदद करने से इनकार कर दिया। वापस आकर मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से इस बारे में बताया कि योगियों ने आग देने से मना कर दिया। इस पर गुरु नानक देव जी ने पास में जलाऊ लकड़ी के ढेर को देखा और वो लकड़ी का ढेर तुरंत प्रज्वलित हो गया। इस प्रकार भाई मर्दाना गर्म रखने और आग का आनंद लेने में सक्षम थे। अचानक मौसम खराब हो गया और बारिश शुरू हो गई थी। परिणाम स्वरूप योगियों द्वारा जलाई गई आग बुझ गई, लेकिन गुरुजी द्वारा जलाई गई आग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई, यानी कि नहीं बुझी। योगियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोस्तों वो योगी गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़े। दोस्तों बहुत ही खास इतिहास आज आपको हमारे चैनल अनोखे मंजर के जरिए से पता चलने वाला है। और दोस्तों देखिए गुरुद्वारे की बिल्डिंग यानी कि इमारत कितनी खूबसूरत यहाँ पर मौजूद है। देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह हम आप तक आज पहुँचा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर किसी को वीडियो बनाने की या फोटो खींचने की इजाज़त नहीं है। जो गुरुद्वारे की कमेटी यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है, हम वहाँ कमेटी के दफ्तर पहुँचे और हमने इस गुरुद्वारे की वीडियो बनाने की परमिशन ली और हम यह वीडियो बना करके आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों बहुत मेहनत से आप तक एक से एक बेहतरीन वीडियो पहुंचाते हैं। धार्मिक हो या ऐतिहासिक हो या किसी भी तरीके की कोई खूबसूरत चीज़ हम आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही आपका और हमारा प्यार बना रहा तो दोस्तों एक से एक बेहतरीन चीज़ हम आपको अपने अनोखे मंजर के द्वारा पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों ये देखिए मैं कितने सम्मान पूर्वक अब इस गुरुद्वारे के अंदर मतलब एंट्री करने जा रहा हूं और बहुत ही खूबसूरत यहां पर माहौल और मंजर मौजूद है। और देखिए दोस्तों अब मैं इस गुरुद्वारे के अंदर दाखिल होने वाला हूं और बहुत ही खूबसूरत जगह मैं आपको अंदर से भी दिखाने वाला हूं। देखिए एक महिला यहाँ पर आई है और उन्होंने यहाँ पर देखिए प्रसाद ग्रहण किया और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ महिला प्रसाद लेकर के चली गई हैं और बहुत खूबसूरत मंजर देखिए दोस्तों ये देखिए बड़ी शांतिपूर्वक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों कहो नानक प्रभु कृपया।
दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है और इस कुएं के जल को यहाँ पर इस कुएं के जल को यानी कि नलों द्वारा यानी कि हैंड पंप लगाए गए हैं और इन हैंड पंपों द्वारा कुएं का जल श्रद्धालु लेते हैं और इस पवित्र जल को बड़ी आस्था से वो इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों लखनऊ के नवाब आसिफुद्दौला ने एक बार इस पवित्र स्थान का दौरा किया था और 5000 रुपए के वार्षिक किराए के मूल्य के साथ भूमि में एक बड़ी बंदोबस्ती की थी। दोस्तों सन 1975 में गुरुद्वारे में कार सेवा की शुरुआत हो गई जो अभी तक लागू है। अब बताते हैं आपको पीपल का पेड़ का इतिहास। यह पीपल का वृक्ष जिसे पीपल साहिब भी कहा जाता है, सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी और छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी के रहमतों का प्रतीक है। मान्यता है कि जब गुरु नानक देव जी इस जगह आए थे तो उन्होंने काफी समय से सूखे पड़े इसी पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया। गुरु जी के पवित्र चरण पड़ते ही यह पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया। गुरु जी का यह चमत्कार देखकर यहाँ पर बसे योगियों और तपस्वियों ने ईर्ष्यावश अपनी योग शक्तियों द्वारा आंधी तूफान और बरसात शुरू कर दी और तूफान और आंधी की वजह से यह पीपल का वृक्ष हवा में ऊपर को उड़ने लगा। यह देखकर गुरु नानक देव जी ने इस पीपल के वृक्ष पर अपना पंजा लगा दिया जिसके कारण वृक्ष यहीं पर रुक गया। आज भी इस वृक्ष की जड़ें जमीन से 6-7 फुट ऊपर दिखाई देती हैं, जिसे लोग पंजा साहिब के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब गुरु नानक देव जी इस स्थान से चले गए थे तब योगियों ने इस पीपल के वृक्ष को आग के हवाले कर दिया था। उस समय बाबा अलमस्त जी यहाँ के सेवादार थे और श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी पर श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी विराजमान थे। बाबा अलमस्त जी ने हरगोविंद जी के चरणों में ध्यान जोड़कर प्रार्थना की। गुरु जी ने प्रार्थना परवान कर कुछ सिंहों को अपने साथ लिया और श्री अमृतसर साहिब से यहाँ पहुंचे। गुरु जी का संत सिपाही रूप देखकर सिद्ध भाग गए। गुरु जी ने जल में केसर मिलाकर इस वृक्ष पर छींटे मारी। गुरु जी की कृपा से सूखा हुआ वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। कहते हैं आज भी इस पेड़ के हर पत्ते पर केसर के छींटों के निशान हैं। आज भी यह पीपल का पेड़ नानक पत्ता साहिब में मौजूद हरा भरा है जिसे पीपल साहिब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए सरोवर, सरोवर में किस कदर मछलियां यहाँ मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियों का यहाँ पर व्यवस्था की गई है। दोस्तों देखिए एक हमारे सिख भाई यहाँ पवित्र सरोवर का जल अपने ऊपर ले रहे हैं। इस सरोवर में स्नान भी किया जाता है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों किस कदर खूबसूरती यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों बहुत कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं, इस गुरुद्वारे का इतिहास बता रहे हैं। अब हम आपको यहाँ पर बहुत जल्दी जो इस गुरुद्वारे के साइड में ही एक अजायब घर है वहाँ लेकर चलेंगे। उससे पहले इस गुरुद्वारे के बीचों बीच यह गार्डन हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो भी हमारे सिख भाई हैं यानी कि जो सेवा कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर उन्होंने बना रखी है। दोस्तों इस गुरुद्वारे में बहुत दूर दूर से हर जाति के लोग यहाँ पर आते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अजायब घर। अजायब घर के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं अजायब घर का अंदर का नज़ारा। तो दोस्तों चलते हैं अजायब घर और बताते हैं अजायब घर के बारे में। गुरुद्वारा नानक पत्ता साहिब में एक अजायब घर
मौजूद है जो कि आप देख रहे हैं। इस अजायब घर में सिखों की सभी धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं को चित्रों द्वारा दर्शाया गया है और इसमें सिखों के गुरुओं आदि की तस्वीरें भी मौजूद हैं। दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में विभिन्न सिख लोगों द्वारा किए गए महान कार्यों को भी यहाँ पर जगह प्राप्त है। ये अजायब घर मुख्य गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब के परिसर में गुरुद्वारे के पिछले हिस्से में सरोवर के पास स्थित है। तो दोस्तों, देखिए, दिखा रहे हैं आपको गुरुद्वारे का अजायब घर। देखिए, यहाँ पर जो सिखों के 10 गुरु माने जाते हैं, उन 10 गुरुओं की तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं और ये हमारे उत्तराखंड के शहीद जो यहाँ पर इनकी तस्वीर लगाई गई है। बहुत सम्मानपूर्वक इस अजायब घर में हमारे इन शहीद की तस्वीर को यहाँ पर स्थान मिला है और दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर इस अजायब घर का जो भी यहाँ पर सीन है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। दोस्तों, हमारे अनोखे मंजर चैनल में आप ऐसे ही बने रहिए और इसी तरीके से आपका प्यार हमें मिलता रहा तो हम एक से एक अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, चलते हैं लंगर हॉल में। गुरु नानक देव जी के पिता श्री मेहता कालू जी श्री गुरु नानक देव जी को एक सच्चा बिजनेसमैन या व्यापारी बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा एक सम्मानजनक और लाभप्रद व्यापार करे, जिसके लिए उन्होंने अपने 12 साल के पुत्र श्री गुरु नानक देव जी को 20 रुपए दिए और कहा उन रुपयों से जाकर कोई अच्छा और सच्चा सौदा करके आना, जिसका मतलब एक ऐसे सौदे से था जिससे लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन संसारिक अच्छा और सच्चा सौदा करने के बजाय गुरु ने अपने पास मौजूद उन 20 रुपए से भोजन खरीदा और स्थानीय साधुओं के बीच सब कुछ वितरित कर दिया जिन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। जब उनके पिता ने उनसे पूछा कि पैसे का क्या हुआ तो उन्होंने उत्तर दिया कि भूखे संतों को खाना खिलाकर आया हूँ। उनके पिता इस बात से बहुत नाराज थे कि उनके बेटे ने पैसे बर्बाद कर दिए और उन्हें डांटा। सन 1481 के आसपास में श्री गुरु नानक देव जी ने एक ऐसी संस्था की रचना की जिसमें सभी धर्म जाति स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी लोग एक साथ फर्श पर बैठकर लाइन में बैठते हैं और एक साथ भोजन का आनंद लेते हैं, जिसे लंगर कहा जाता है। नानक मत्ता साहिब में लंगर की व्यवस्था हर समय सभी के लिए उपलब्ध है। इस लंगर की सारी व्यवस्था गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा की जाती है। लंगर सेवाओं के लिए मुख्य गुरुद्वारा के पड़ोस में ही एक इमारत है जिसे लंगर हाल कहा जाता है, जो कि आपके सामने हम दिखा रहे हैं। लंगर की व्यवस्था के लिए कच्चे भोजन, गैस और ईंधन आदि की सभी संसाधन गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब के खेतों से और संगत द्वारा दिए हुए दान से आते हैं। तो दोस्तों, अब हम दिखाते हैं आपको यह सेवा का एक मुख्य स्थान। देखिए, बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सुविधा है, यानी कि जो यहाँ पर गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए या गुरुद्वारे में आस्था से लोग आते हैं, वो यहाँ पर इन खिड़कियों में अपने जूते जमा कराते हैं और गुरुद्वारे की कमेटी की तरफ से यह इंतज़ाम किया गया है। देखिए दोस्तों, कितना आदर और सम्मान यहाँ की कमेटी लोगों को देती है, किस तरह से लोग यहाँ पर अपने जूते देखिए अंदर देते हैं और यहाँ जमा कराते हैं और जब गुरुद्वारे से वापस आते हैं तो इस तरीके से उनको जूते वापस किए जाते हैं। कितनी अच्छी सेवा यहाँ पर लोग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो हम खिड़की आपको दिखा रहे हैं, वो जो खिड़की दिखाई थी हमने जूतों का स्थान था, और ये जो खिड़की हम आपको दिखा रहे हैं, ये सेवा 13 सिख रेजिमेंट द्वारा करवाई गई है। यह खिड़की जो यहाँ पर लोग आते हैं वो अपना सामान यहाँ जमा कर देते हैं।
देखिए। और एक सबसे बड़ी चीज, यह सेवा निशुल्क है, कोई यहां पर पर्ची का कोई शुल्क नहीं लिया जाता लोगों से। तो आज हमने आपको दिखाया नानक मत्तम गुरुद्वारा, हमारे गुरुद्वारे के ग्रंथ साहब, देखिए ये ग्रंथ साहब यहाँ खड़े हैं, मैं ग्रंथ साहब से इस गुरुद्वारे के बारे में इसकी जानकारी लेकर के आप तक पहुँचा रहा हूँ। क्या नाम है आपका ग्रंथ जी? मेरा नाम ज्ञानी महेंद्र सिंह जी है, यहाँ मैं मीत ग्रंथ की ड्यूटी निभा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, इस नानक मत्ता गुरुद्वारे का इतिहास मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा आप मुझे बताएं इसके बारे में शुरू से क्या है, जैसे भी इसकी कोई खास बात है तो मुझे आप बताइए। यहाँ हमारे जो पहले गुरु हैं धन धन श्री गुरु नानक देव जी, वो यहाँ स्थान पर आए थे, और छेवें गुरु मेरी पीढ़ी के मालिक श्री हरगोबिंद पातशाह जी, उनको ये चरण शो प्राप्त होती है। यहाँ पर गुरु नानक साहब जी ने जो यहाँ पर ये पीपल देख रहे हैं, यहाँ जो गुरु नानक साहब जी यहाँ पर पीपल के आगे बैठे थे, आगे यहाँ नीचे, यहाँ के सिद्धों जो सिद्ध थे, जो जिनको हम कहते हैं वो कानपाटी जोगी, उनका उन्होंने अपना यहाँ अड्डा जमा रखा था। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमारी धरती है, तो गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं ना धरती ये किसी की नहीं है, ये ना मतलब यहाँ पर एक हम बच्चा के दबाएंगे यहाँ अंदर गुरुद्वारा में, तो उनसे वो बच्चा बताएगा भी धरती किसकी है। तो यहाँ जो अंदर जो स्थान बना हुआ है अपना, वहाँ एक बच्चे को वहाँ उन्होंने दफनाया, तो बच्चे से पूछा कि ये धरती किसकी है, पहले सिद्ध ने पूछा, तो उन्होंने कहा गोरख माता गोरख माता गोरख माता, तो फिर कहा कि हम गुरु नानक देव जी ने कहा कि हम पूछेंगे ये धरती किसकी है, तो गुरु नानक देव जी महाराज ने बच्चे को लगाई कि ये बताओ किसकी है, तो उन्होंने तीन बारी वहाँ से आवाज आई नानक माता नानक माता नानक माता, इसलिए ये स्थान नानक माता से नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं अरदास बेनती करते हैं, उनकी अरदास बेनती प्रवान होती है। और यहाँ और भी स्थान है, जैसे गुरुद्वारा भंडारा साहब, जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने जो मर्दाना जी थे उनके साथ, वो उनको 36 प्रकार के भोजन सिखाए थे, वो यहाँ पास में है भंडारा साहब गुरुद्वारा। और एक है गुरुद्वारा पौली साहब, जहाँ मतलब मर्दाना जी जो उनको प्यास लगने से वो पहाड़ों से छड़ी से मतलब गंगा लेके आ रहे थे, उन्होंने कहा कि पीछे मुड़ के मग देखना, कि उनके मन में शंका हुआ कि मतलब पीछे मतलब गंगा आ रही है नहीं आ रही है, तो मन में शंका हुआ, तो जब पीछे देखा तो वो यहीं रुक गई थी, तो वही यहाँ बौली स्थान बना हुआ है गंगा। और एक दूध वाला खूह है गुरुद्वारा, वहाँ का मतलब इतिहास है कि मतलब वहाँ जो मतलब भूख लगने पे गुरु नानक साहब जी ने मतलब दूध का वो जो वहाँ सिखाया था, भी मतलब जो खूह में पानी था, तो गुरु नानक साहब जी कृपा हुई तो वो पानी जो दूध बन गया, तो वहाँ संतों को दूध सिखाया है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये जानकारी हमने आप तक ज्ञानी जी से लेकर के पहुँचाई, तो दोस्तों ये तो मैं कह नहीं सकता कि ये वीडियो पसंद आई हो, तो क्योंकि देखिए ये एक ऐसे स्थान पे हम यहाँ खड़े हैं कि यहाँ पर हम ये समझिएगा कि हमारी धरती ऐसी जगहों से ही महफूज है। तो दोस्तों हमारे चैनल अनोखे मंजर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, लाइक भी करें। थैंक यू।